नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सतीश, आप लोग को बहुत बहुत स्वागत है एजुकेशन बिहार चैनल पर। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को बताऊंगा बिहार अनुच्छेद परीक्षा 2019 के लिए कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट जीके से क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपोर्टेंट होगा। दोस्तों चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या है क्वेश्चन। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट होगा। तो दोस्तों क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, एक नंबर क्वेश्चन कह रहा है, मांडक किस नदी के किनारे स्थित था। मांडक किस नदी के किनारे स्थित था दोस्तों, तो इसका राइट आंसर जो है चेनाब नदी के किनारे स्थित था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका कह रहा है दोस्तों, दो नंबर क्वेश्चन कह रहा है, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस नदी किस प्रदेश में है दोस्तों, तो राजस्थान में है। ठीक है दोस्तों, राजस्थान राज्य में है। तीन नंबर क्वेश्चन जो आपका दोस्तों, सिंधु घाटी के लोग किस में विश्वास करते थे, किस में विश्वास करते थे दोस्तों, तो इसका राइट आंसर जो आपका है मात्र शक्ति में विश्वास करते थे। चार नंबर क्वेश्चन का रहा दोस्तों, प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूत्र किस में पाया जाता है, किस में पाया जाता है दोस्तों, ऋग्वेद में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, ऋग्वेद में पाया जाता है। पांच नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता है, किसे माना जाता है दोस्तों, सरस्वती को माना जाता है। छह नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, यज्ञ संबंधी विधि विधानों को पता किस में चलता है, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता किस में चलता है दोस्तों, तो यजुर्वेद में चलता है। ठीक है दोस्तों, यजुर्वेद में चलता है। सात नंबर क्वेश्चन का आ रहा है दोस्तों, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वेदों की संख्या कितनी है, वेदों की संख्या कितनी है दोस्तों, तो चार है। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर इसका चार है। आठ नंबर क्वेश्चन का आ रहा है दोस्तों, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है, कहाँ से लिया गया दोस्तों प्रसिद्ध गायत्री मंत्र, तो ऋग्वेद से लिया गया। ठीक है दोस्तों, ऋग्वेद से लिया गया है। नौ नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था, किस सदी में हुआ था दोस्तों, तो छठी सदी ईस्वी पूर्व में हुआ था प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका दस नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, भारत में सिक्कों मुद्रा का प्रचलन कब हुआ है, सिक्कों मुद्रा जो आपका है दोस्तों, मुद्रा का प्रचलन जो आपका कब हुआ है दोस्तों, 600 ईस्वी पूर्व में हुआ है। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की, किसने प्रारंभ की थी दोस्तों, इसका राइट आंसर जो आपका है सातवतों ने की थी। ठीक है दोस्तों, सातवतों ने जो आपका है वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम प्रारंभ की थी। 12 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है, क्या कहलाता है दोस्तों, धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है। ठीक है दोस्तों, धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है। 13 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की, कहाँ की थी दोस्तों, तो पावा में की थी। ठीक है दोस्तों, पावा में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है दोस्तों, भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है दोस्तों, सांची में स्थित है। ठीक है दोस्तों, 15 नंबर क्वेश्चन जो आपका है, अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगीति किस नगर में आयोजित की गई थी, किस नगर में आयोजित की गई थी दोस्तों, पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। 16 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, मौर्य काल में गुप्तचरों की को क्या कहा जाता था, मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था दोस्तों, गूढ़ पुरुष कहा जाता था। ठीक है दोस्तों, गूढ़ पुरुष कहा जाता था। मैगस्थनीज, 17 नंबर क्वेश्चन जो आपका है, मैगस्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है दोस्तों, तो इंडिका है। ठीक है दोस्तों, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है इंडिका। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। 18 नंबर क्वेश्चन जो आपका है दोस्तों, श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी दोस्तों, श्रीनगर की स्थापना, तो आपका राइट आंसर जो आपका है अशोक ने की थी। ठीक है दोस्तों, तो आपका राइट आंसर क्या है दोस्तों, अशोक ने। 19 नंबर क्वेश्चन जो आपका है दोस्तों, प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था, कलिंग का महान शासक जो आपका है दोस्तों, खरवेल था। ठीक है दोस्तों, खरवेल इसका राइट आंसर है। 20 नंबर क्वेश्चन जो आपका कह रहा है दोस्तों, कानवे वंश का संस्थापक कौन था, कौन था दोस्तों, वासुदेव था। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर। क्वेश्चन है दोस्तों, तक्षशिला विश्वविद्यालय, 21 नंबर क्वेश्चन है, तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था, कहाँ स्थित था दोस्तों, पाकिस्तान में स्थित था। 22 नंबर क्वेश्चन जो आपका है, तमिल काव्य को ओडिसी कहा जाता है दोस्तों, किसको कहा जाता है, मैनी मैकली। ठीक है दोस्तों,
इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, मनी मैकलई को। ठीक है दोस्तों, 23 नंबर क्वेश्चन जो आपका है दोस्तों, गुप्तकालीन पुस्तक नवीनतकम, गुप्तकालीन पुस्तक नवीनतकम का संबंध किससे है, किससे दोस्तों, चिकित्सा से। ठीक है दोस्तों, 24 नंबर क्वेश्चन जो आपका, गुप्त शासकों की सरकारी जिसे दरबारी भाषा थी, क्या था दोस्तों, गुप्त शासकों की सरकारी दरबारी भाषा थी संस्कृत। ठीक है दोस्तों, संस्कृत। 25 नंबर क्वेश्चन जो आपका दोस्तों, किस गुप्त शासकों ने दक्षिणा पथ में स्थित 12 राज्यों पर धर्म विजय की, समुद्रगुप्त। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या है, समुद्रगुप्त। 26 नंबर क्वेश्चन जो आपका है दोस्तों, बाल विवाह का प्रथा किस काल में आरंभ हुई थी, तो किस काल में आरंभ हुई थी दोस्तों, गुप्त काल में आरंभ हुई थी। 27 नंबर क्वेश्चन जो आपका है दोस्तों, गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी, गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी दोस्तों, तो राजतंत्रात्मक थी। ठीक है दोस्तों, गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी, तो राजतंत्रात्मक प्रकार की थी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है दोस्तों, 28 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, दक्षिण भारत का संदर्भ में एरीपत्ति का अर्थ क्या था, एरीपत्ति का अर्थ क्या था दोस्तों, जलाशय की भूमि। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, जलाशय की भूमि। 29 नंबर क्वेश्चन जो आपका है दोस्तों, किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है, द्वितीय अशोक कहा जाता है दोस्तों, हर्षवर्धन को। ठीक है दोस्तों, 30 नंबर क्वेश्चन जो आपका दोस्तों, हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था, तो प्रयाग में किया करता था। ये था 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद जय भारत। खुश रहे दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।